है। सीमा सुरक्षा बल की 17वीं वाहिनी ने पर्यावरण को हरा भरा रखने के उद्देश्य से नया रायपुर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान 2000 छायादार और फलदार पौधे रोपे गए। इनमें आम, आंवला, नींबू और इमली जैसे फलदार पौधे शामिल हैं। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल कमांड मुख्यालय के विशेष महानिदेशक डॉ एसएल थाउसेन ने बताया कि इस साल सीमा सुरक्षा बल ने 20 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारे पीछे बहुत आते हैं पर्यावरण प्रथम रक्षा पंथ। जैसे कि आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष गृह मंत्रालय के अधीन जितने भी केंद्रीय पुलिस बल है वो करोड़ों का पौधे जो है पूरे भारतवर्ष में लगाते हैं, बॉर्डर्स में, इंटीरियर एरिया में, जहां जहां भी केंद्रीय पुलिस बल की एस्टेब्लिशमेंट है वहां करोड़ों पौधे लगाते हैं, ताकि हमारे देश में जो है ट्री कवर तुलनात्मक रूप से बढ़े। तो उसी के अधीन इस वर्ष जो है बीएसएफ में हम इस टीम के साथ में आए और हम हमारे जो स्पेशल कमांड नया रायपुर है मेरे कमांड में, वहाँ हम लगभग 4.5 लाख पौधे इस वर्ष जो है हम लगा रहे हैं। इधर बीएसएफ के भिलाई इकाई द्वारा भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण का कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस कड़ी में बीएसएफ के अधिकारी और जवानों ने तालपुरी के आसपास पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा और स्वच्छ रखने का संदेश दिया।